Everyone, welcome back to Ream streams Channel. Namaste, namaskaram. I hope you all are having lovely and fun time with your friends and family, guys. In this video, what I will discuss, the major two things I will discuss. First of all. Most of you are traveling Doha soon. Congratulations, you are getting selected. And few of you are looking forward to join Qatar Airways. तो इसमें मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगी Most important, पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी वो है आप पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं कतार से और कहीं से भी एक्चुअली जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो लोग कैसे पैसे सेव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं अपनी कंट्री सेकेंडली टैक्स से कैसे बच सकते हैं और मेजर इंपॉर्टेंट अगर आप दोहा मूव हो रहे हैं ऑफ लेटली या सून आपको होना है तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं एंड में आपको इस वीडियो के बताऊंगी तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई स्टार्ट गाइस ऑल दिस एट इयर्स जब तक मैं दोहा में थी मैंने पैसे कैसे भेजे हैं कि जैसे सैलरी आ जाती थी आई यूज़ टू कीप दिस इन माई माइंड कि मैं इस महीने इफ़ आई एम फ्लाइंग अलॉट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्लाइंग हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड फिफ्टीन आवर्स जो कि अच्छी सैलरी आने वाली है इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सैलरी मैं पहले ही प्लान कर लेती थी कि इस मंथ आई विल सेव अप्रॉक्सीमेटली वन लैक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ और बाकी का क्योंकि मेरे ले बहुत अच्छे हैं एंड दिस डेस्टिनेशन आई वॉन्ट अ ट्रेवल आई वॉन्ट अ गो आउट मुझे एक्सप्लोर करना है तो आई यूज़ टू कीप इट फॉर ट्रैवलिंग एंड अदर स्टफ़ विच यू लिव इन दोहा इफ़ यू हैव योर ज़्यादा एक्सपेंस मेरा जिम का होता था ट्रेनर का होता था ये सब मैं पहले से ही सेपरेट कर लेती थी लेकिन जैसे ही सैलरी आती थी फर्स्ट थिंग आई यूज टू थिंक इज़ इतना तो मुझे सेव करना ही है क्योंकि इस मंथ मेरी सैलरी अच्छी आई है तो अब क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले कि आई सैलरी मैंने उतना पार्ट लेके मेरी एक वीकनेस थी अगर मैं अपने अकाउंट में ज़्यादा दिन तक पैसे रख लूँ तो फिर मैं वो सेव नहीं कर पाती थी तो मैं ट्राई करती थी आई सुन एज आई कम बैक टू दोहा अगर मैं सैलरी आई और मैं किसी और कंट्री में हूँ तो मैं ये प्रायोरिटाइज़ करके रखती थी कि आ सोन एज आई कम टू दोहा मुझे पहली चीज़ ये करनी है कि घर जाते ही वेस्टर्न यूनियन जाके मुझे पैसे सेंड करने हैं तो यस यू हर्ड इट राइट मैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ऑल दिस एट इयर्स पैसे अपने अकाउंट में भेजती थी वेस्टर्न यूनियन के बहुत सारे ब्रांचेस हैं दोहा में हर गली में हर कोने में एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ मिली जाएगा जो कि मनी सेंडिंग जगह है और वो आपको हेल्प करते हैं मनी सेंड करने में आपकी कंट्री किसी भी कंट्री में इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड और आपको वो इफ़ यू वॉन्ट डॉल्स दे डू दैट ऑल्सो तो वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था मेरे घर के बहुत ही पास था तो नॉर्मली नाउ गिव एन एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू सेंड टेन थाउजेंड रियाल और अगर गूगल पे रेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी तो कितना हो गया पाँच हज़ार रियाल इफ़ आई हैव टू सेव दैट विल बी वन लाख अगर मेरे पास टेन थाउजेंड रियाल है लकीली तो वो दो लाख है तो दैट टू लाख रुपीज़ इफ़ आई हैव टू सेंड टू माई इंडियन अकाउंट अब क्या होगा कि दे विल गिव यू अगर रेट गूगल पे आपने चेक किया और ये ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी है तो वो आपको ट्वेंटी माइनस करके देते हैं दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एवरी टाइम दे यूज़ टू डिडक्ट ट्वेंटी पैसा जो कि एक्स्ट्रा है उनके अकॉर्डिंग उनका रेट ट्वेंटी लेस चल रहा होता था तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल पे ट्वेंटी रेट है तो आपको एक्सचेंज रेट नाइनटीन पॉइंट एट्टी के आसपास का अमाउंट देते हैं और अगर आप थोड़े पैसे भेज रहे हैं तो तीन से चार हज़ार का नुकसान होता है बट इफ यू आर सेंडिंग टेन थाउजेंड रियाल आपको आठ से दस हजार का नुकसान भी होता है अगर वो वैल्यू कम हो जाती है तो कुछ क्रू क्या करते थे आई हैड आई हैड नो पेशेंस गाइज मुझे बस सेंड करना होता था क्योंकि वो मैं आठ दस हज़ार बचाऊँगी नहीं मैं इनफैक्ट उसे खर्च दूंगी अगर मेरे अकाउंट में रहेंगे तो दैट इज़ माई पर्सनल नेचर तो मैं लॉस में ही सही मैं वो ट्वेंटी लेस में ही भेज देती थी अपने अकाउंट में इंडियन अकाउंट में ना हो कुछ क्रू ऐसे होते थे कि दे यूज़ टू गो इसमें थोड़ा अच्छा रेट मिलता है वो वाले में थोड़ा वॉक करके जाऊँ कॉर्निश के पास है वहाँ पर एक Uh, अल्फरदान है वहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिलता है तो दिल वॉक बाय देन आ, या कैब लेके जाके और वो वहाँ से मे बी वहाँ पे टेन पर टेन पैसा कम किया राधर देन ट्वेंटी टेन कम करके दे दिया तो आपको फिर भी बहुत बच गया लाइक आई वॉज सेंग एट थाउजेंड एट थाउजेंड रुपीज़ का नुकसान है राधर देन एट थाउजेंड सीधा फोर थाउजेंड हो गया वो तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं और अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग रेट्स होते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने पेशेंट्स हैं ये चेक करने के आप जाके वहाँ से भेज सकते हैं ये तो है पहला तरीका दूसरा तरीका जो बहुत सारा कैबिन क्रू यूज़ करता था वो ये कि उन्होंने बहुत ऐप डाउनलोड किए हुए थे जो कि कतार से मनी सेंड करने के लिए अच्छा रेट प्रोवाइड करते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने आप अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं बट टू बी ऑनेस्ट गाइज मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से मैंने एक बार करने की कोशिश की थी और इट वॉज़ टेकिंग टाइम तीन दिन हो गए थे मेरे अकाउंट में आए नहीं थे तो आई वॉज गेटिंग स्केर्ड तो नॉट टू टेक दैट चांस मैंने हमेशा आठ साल ऐसे किया कि आई विल गिव यू मनी यू गिव मी रिसीट दैट आई एम गिविंग यू दिस मच और आपने मेरे अकाउंट में भेजा वो जो ओल्ड स्कूल टाइप की ठीक है मेरे पास रिसीट है अगर नहीं पहुंचे पैसे तो एटलीस्ट आई कैन कम बैक एंड टेल दैम कि अभी तक पहुंचा नहीं है क्या हुआ आई नीड समबडी whom आई कैन कम्युनिकेट विथ इसीलिए मैंने आठ साल पूरा का पूरा वही प्रोसीजर फॉलो किया जो मैंने आपको बताया है अब आप पे डिपेंड करता है विच वन यू वुड लाइक टू तो फॉलो आपको अगर ये कन्वीनियंट है तो ऐसे कर लो मेरे जैसे फॉलो करो या तो आप भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मेनी क्रू विल लेट यू नो विच ऐप इज द परफेक्ट एंड विच वन इज गिविंग एक्स्ट्रा मनी नाउ ये तो हो गया आप पैसे कैसे भेज सकते हैं उस पर नाउ बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि हम सबको पता है मिडिल ईस्ट इज़ ए टैक्स फ्री सैलरी यही एक अच्छी चीज़ है कि इसकी वजह से हम अट्रैक्ट होकर मिडिल ईस्ट में जॉब करने जाते हैं क्योंकि टैक्स फ्री सैलरी है तो अगर आपके पास बीस हज़ार रियाल है तो आप बीस हज़ार का बीस हज़ार गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना इट्स इन योर अकाउंट तो लेकिन अब आपने किसी और कंट्री में काम करके टैक्स फ्री सैलरी कमाया बट आपको इंडिया में भेजना है तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ सेविंग अकाउंट इन इंडिया और आप उसमें भेजते जा रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट टेन लैक्स के ऊपर जैसे ही पैसे बढ़ते हैं आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है तो रादर देन डूइंग दैट आप जैसे ही सिलेक्ट हो जाए आपके पास वैलिड आर पी आ जाए दूसरी कंट्री की आप फर्स्ट थिंग डू इज़ माई रिकमेंडेशन मैंने ये बहुत लेट किया था बट मैं पछताई थी आपको एन आर ई अकाउंट खोल लेना चाहिए इंडिया के अपना आर पी यूज़ करके मैंने वो बहुत लेट किया और ट्रस्ट मीवाइज़ वो उससे मैं बहुत पछतावा हुआ था मुझे मैंने काफ़ी लॉस सहा है क्योंकि आठ साल तक अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप नॉर्मल अकाउंट में भेजते जा रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं लॉस तो होता ही है तो माई सजेशन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक अगैन डू नॉट डू दैट और एन अकाउंट खोल लें ये हो गया ऑल अबाउट कतार से पैसे कैसे भेजें कैसे सेव करें नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई इज इफ यू आर मूविंग टू कतार आई नो यू ऑल आर ज्वाइनिंग सून मोस्ट ऑफ़ यू आर ज्वाइनिंग एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू जॉइन सून तो आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है वहाँ पे व्हाट्सएप वाइबर और भी जो ऐसे सोशल वेबसाइट्स हैं कॉलिंग के वो नहीं चलते हैं द मोमेंट यू विल गो होम एंड यू विल थिंक कि चलो अब मैं अपने मम्मी को पापा को वीडियो कॉल कर लूँ फर्स्ट ट्रबल विल कम कि वो नहीं हो पाता है वहाँ पे व्हाट्सएप का भी इशू है वाइबर का भी इशू है क्यों क्योंकि वहाँ पे हमें वी चाहिए तो आप कुछ ऐसा वी पी एन फ्री वी पी एन ऑलरेडी डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में जो कि दोहा जाते ऑन करके आप व्हाट्सएप चला पाओ अदरवाइज आपके ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी और आपके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे आपको देखने के लिए तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है बिफोर पैकिंग योर बैग सबसे पहले तो परफेक्ट वीपीएन डाउनलोड करो जो कि दोहा में एक्टिव हो सके जाते एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कीप इन टच बी सेफ एंजॉय योर टाइम गाइज़ एंड आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू मीट यू ऑल अगर कभी मैं अभी फ्यूचर में आई तो नहीं तो थ्रू दीज वीडियोज़ ऑल द बेस्ट गाइज़ बाय बाय आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू बाय बाय